दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कल एक अमेजॉन कंपनी के सीनियर मैनेजर हरप्रीत सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जहां पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद हम उनके घर पर आए हुए हैं। ये उनकी माता जी हैं। परिवार के लिए जाहिर तौर पर बहुत बुरा वक्त है। बात कर पाएंगी आप? अगर आप बात कर पाएंगी तो बात करिए, कोई कोई प्रेशर नहीं। आप बात कर पाएंगी? माता जी ये बताइए कि शादी तो नहीं हुई थी हरप्रीत की? नहीं हुई थी। अच्छा, कल 11:30 बजे की ये घटना है, इतनी रात वो कहाँ गए थे, कुछ बताया था? मैंने कहा था मैं रोटी बना रही थी, गरम गरम रोटी देती हूँ उसे बना। मैंने कहा बेटा रोटी खा लो। कहते हैं मम्मी अभी 10 मिनट में आ रहे हैं। साथ में चाची जी का लड़का था, भाई था साथ। कहने लगे कि दीदी हम अभी आए, तुम बना लो। उन्हें कहता है तुम बना के गर्म रखो, हम 10 मिनट में आए। अभी 10 मिनट हुए उसे बाहर गए, इतने में खबर भी आ गई कि दूसरे से। फिर चाची के लड़के मेरे भाई ने फोन किया, किसी से फोन लेकर कहते ऐसे ऐसे करके हो गया। वैसे अभी सुना वैसे भागे हम देखने के लिए। तब तक वो जीरो पूछता ले चुके थे, जीरो पैदा ले गए थे। तब तक तो मेरे बच्चे को वहां जाके मैंने देखा, उसके भाई तो गोली मारी, एक यहाँ और खून मिला। तो बता मेरा बच्चा, इतने बात तक मेरे की मेरे से। अरे बुलाया ही लाया, बोला नहीं मेरे से बच्चा अच्छा, मेरा। खुद को संभालिए, पानी कोई पानी ले आइए। ये बताइए कि जब घर से बताकर वो निकले तो किसी से कोई बातचीत कर रहे थे, कोई लड़ाई किसी कोई नहीं किसकी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं था। बहुत अच्छा लड़का था। कभी आप उनकी दादी? हाँ जी। कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? क्योंकि किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई दुश्मनाई नहीं, कुछ नहीं था। तो सबका लाडला था, याद है, सबकी बात करता था, हेल्प भी करता था। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था मैडम, मेरा बच्चा बहुत। को संभालिए, ये परिवार है। आप बताएंगी? ये बताइए दादी माँ कि जब वो बता कुछ बता कर निकले कि क्या कहाँ जा रहे? नहीं कुछ नहीं कर रहे थे, ये खाना बना रही थी। राउंड लेने जा रहे हैं, पता नहीं राउंड लेने गए यार, 10 मिनट का कह के गए हैं। 10 मिनट आया, मम्मी तू खाना बना ले, ये खाना बना रही थी। कहते बेटा खाना खा ले। तो कहता मैं एक राउंड लगा के मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद मैं इतने में फोन आ गया भी किसी ने गोली भी मार दी। तो आप संभालिए इनको। किसी माँ का जब इस तरीके से जवान बेटा चला जाता है तो क्या उन पर बीतती है, शायद इस वक्त हम नहीं समझ सकते। हालांकि परिवार का यही कहना है कि किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। हरप्रीत रात को 10 मिनट बाहर जा रहे हैं ये बताने के लिए घर से निकले थे अपने एक भाई के साथ, जिनके भी सर पर पीछे साइड गोली लगी है। हालांकि उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और वो LNJP अस्पताल में इस वक्त एडमिट है। वहीं हरप्रीत का पोस्टमार्टम और आगे की जो प्रक्रिया है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि क्या कुछ मसला, क्या मामला है और क्या क्या किन कारणों की वजह से इस तरीके से एक सीनियर मैनेजर के अमेज़न को गोली मारकर इस तरीके से सरेआम हत्या कर दी गई। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, ABP News, दिल्ली।